हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ। बच्चों, इसकी हेडिंग है आपके वर्कशीट की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है बच्चों, ये आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से लिया गया लेसन है। लिखा है, प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। आइए, इसी के बारे में जानते हुए इस कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बताया गया है कि जैसे हम कोविड-19 की वजह से बच्चों घर में बंद हो गए हैं, पिछला एक साल हमारा पूरा इसी बीमारी के अंदर निकला है कि हमको कितनी पाबंदियाँ आई हैं, भीड़ में नहीं जाना, मास्क लगाना है, सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें, लॉकडाउन भी हुआ, घर में बंद रहे। तो इसी कविता को हम सेम मानते हुए, यानी कि जिस तरह से एक पिंजरे में एक पंछी को कैद कर दिया जाता है और इंसानों को भी ऐसे ही बंद रहना पड़ा अपने अपने घरों में बीमारी की वजह से, तो ये कविता हमसे क्या कहती है। और ये लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा। ठीक है, तो लिखा है, होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, इसका अर्थ है कि कवि ये कहना चाहता है कि जो एक पंछी है उसको आसमान में खुला उड़ने दो। ठीक है, उसको पिंजरे में बंद मत करो, वो कोई भी इंसान है, वो खुला रहना चाहता है। इसी तरह पक्षियों का भी मन होता है, तो वो आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, वो उड़ान भरना चाहते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। ठीक है, तो पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला मत दो, पेड़ की डाली भी मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान को रोको मत, उन्हें उड़ने दो। कविता का सार है वो यही है। ठीक है बच्चों, तो पिछली 4 लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी थी आपके सामने, उनका मतलब यही बनता है। अब आगे देखिए, इनके थोड़े से नए शब्द दिए हैं। नीड़ घोंसला अर्थ होता है इसका, नीड़ मतलब घोंसला, आश्रय मतलब घर, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, विघ्न मतलब बाधा। ठीक है बच्चों, और भावार्थ मैंने आपको समझाई दिया, तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बहुत आसान आसान छोटे छोटे से। तो पहला क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरा करना चाहते हैं। आंसर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान को छूने की इच्छा और आसमान में उड़ते हुए पंखों में एक होड़ लगाने की इच्छा पूरा करना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आंसर है, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षी को पालना उनकी गुलामी की जंजीरों उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम है, जो पक्षियों द्वारा स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर देता है, जिससे पक्षी दुखी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उनके आपको वाक्य बनाने हैं। आप अपनी तरह से भी इसका वाक्य बना सकते हैं, मैंने आपके लिए आसान से शब्द के वाक्य लिखे हैं। घोंसला, पक्षियों का निवास स्थान उनका घोंसला होता है। प्रतियोगिता, पक्षी आसमान में उड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। बाधा, पक्षियों की उड़ान में बाधा ना डालें। घर, सबको अपना घर प्यारा होता है। ठीक है बच्चों, तो 4th क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी किसी पक्षी को पाला है, उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ने तोता पाला। तोता पिंजरे में रहता है, प्रतिदिन सुबह तोते को कटोरी में चना और एक कटोरी में पानी दिया जाता है, साथ ही जब घर में कोई फल आता है तो तोते के लिए निकाल कर रख दिया जाता है। तोता उनको कुतर कुतर कर खाता है। पूरे दिन तोते की देखभाल की जाती है, उनको खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं और पिंजरे में बंद रहना पड़ता है या रखा जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।